तो एक्सेस प्रेशर के अंदर कनकेव कन्वेक्स का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं? अगर ये ड्रॉप है, ड्रॉप के बाहर जो एयर की सरफेस है, याद रखना वो कन्वेक्स सरफेस है, अंदर की सरफेस कनकेव सरफेस है। अब मैं ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टर्म यूज हो गई कन्वेक्स और कनकेव और आपको पता ना हो किस कौन सी सरफेस कन्वेक्स कनकेव, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला तरीका याद करने का, लोग ऑप्टिक्स की तरह याद करते हैं कि ये वाला अगर ऐसा सरफेस आ गया तो मैं बोलूंगा कि कन्वेक्स है, अगर ऐसा आ गया तो मैं बोलूंगा कनकेव है। मैंने ऐसे याद नहीं किया हुआ, हालांकि ऑप्टिक्स मैंने भी किया हुआ है, मेरे को भी पता है शेप्स कैसी होती हैं, पर मैंने याद नहीं किया। मेरे को रिजल्ट याद है, कनकेव सरफेस का प्रेशर कन्वेक्स से हमेशा ज्यादा आएगा, और मुझे पता है अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा आएगा, तो अंदर की सरफेस कनकेव है, बाहर कन्वेक्स है, बात ही खत्म हो गई, याद करने की जरूरत ही नहीं। कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स से ज्यादा आएगा, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है, तो अंदर कनकेव हो गई और बाहर कन्वेक्स हो गई, याद हो गया तरीका, सही है यहां तक? तो मैं यही रिजल्ट यूज करूंगा, यही लिखा हुआ है, प्रेशर कनकेव पे ग्रेटर होता है कन्वेक्स में, एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू इन ऑल केसेस। तो जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप में अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर 2T/R है, टी फॉर सरफेस टेंशन है, तो ये कनकेव हो गई और ये कन्वेक्स हो गई। अगर ड्रॉप पानी में है तो पानी के अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो अंदर की सरफेस कनकेव हो गई, तो एयर इसमें क्या हो गया, कनकेव हो गया, और वाटर इसमें क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है तो कनकेव, कन्वेक्स से ज्यादा है तो अंदर कन्वेक्स है, बाहर कनकेव है, खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो अंदर की सरफेस का ज्यादा है तो अंदर कनकेव है और बाहर कन्वेक्स है, क्लियर है? तो इसलिए कराया ताकि कनकेव कन्वेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अदरवाइज कई बार कई बुक्स ऐसे कर लेती हैं, ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है मेरे को लगता है इसको करने की, पर फिर भी बता देता हूं। वो कहता है एक सोप बबल है, बबल की जो सरफेस है ना, जो फिल्म है, बहुत पतली होती है, बबल की सरफेस बहुत पतली है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, उसका कर्व्ड सरफेस बहुत पतला है। उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो ऐसा दिखा मुझे, मतलब मोटा करके दिखा रहा हूं, है ये बबल ही, तो बबल है तो इसमें पानी पानी दिखेगा, बस वो बबल, ये एयर और एयर दिखेगी। तो कहते हैं मान लो यहां का प्रेशर P1, यहां का P', यहां का P2, तो फर्स्ट सरफेस लेते हैं ऊपर वाली, ऊपर वाली सरफेस के इधर पानी है और इधर एयर है, तो ऊपर वाली सरफेस की एक ही फ्री सरफेस है, नीचे वाली को छोड़ दो, ओनली ऊपर वाली सरफेस के अंदर पानी है और बाहर एयर है, तो एक फ्री सरफेस है, और अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से तो ज्यादा है, यानी कि P' - P1 इज 2T/R। 2T/R क्यों? एक फ्री सरफेस पे काम हो रहा है। सिमिलरली आप कहते हैं नीचे की सरफेस ले लो, नीचे की सरफेस पे दूसरी फ्री सरफेस है ये वाली, तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो P2 - P' की वैल्यू क्या आ गई, P2 - P' आ गया 2T/R। इन दोनों को ऐड कर लो तो P' - P' कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, P2 - P1 इज 40/R। तो एंड में रिजल्ट कहता है देखो जी बबल है ना, जो बबल में, लिक्विड बबल में P2 - P1 का रिजल्ट क्या आ गया, 40/R। अरे ये तो हम डेरिवेशन से करके आए हैं, हमें ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी करके आए हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि सोप बबल के अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, 40/R। तो ऑप्शनल है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे।